हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ऑन कैंपस रहना जो है वो बेहतर है या ऑफ कैंपस रहना। अब दोनों के कुछ कंपैरिजंस हैं, ठीक है, कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। मैं ऑन कैंपस रहती हूँ और उसी कुछ रीजंस हैं। ऑन कैंपस रहने की जो पहली रीज़न वो ये है कि मुझे जो है ट्रैवल नहीं करना पड़ता किसी और जगह से, मैं बस का वेट करूं या ट्रेन का वेट करूं और मैं भागूं कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे घंटा पहले जो है वो निकलना पड़े और आई हैव टू वेट इन द क्यू, जिसकी वजह से जो है मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ट्रैवलिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है डेली बेसिस के ऊपर। तो मेरा सबसे पहला रीज़न ये है कि मुझे ट्रैवल नहीं करना, मुझे जो है 5 मिनट पहले उठना है और उठ के रेडी होके मुझे क्लास में चले जाना है। तो ऑन कैंपस का मुझे ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा जो ऑन कैंपस का मुझे हो रहा है वो है सिक्योरिटी, कि अगर मुझे जो है यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्टी मैं फेस करती हूँ और मुझे जो है कोई भी, मैं अगर मैं बीमार हूँ, मुझे कोई इमरजेंसी है, तो मैं इमरजेंसी नंबर पर कॉल करूँगी, मेरी वार्डन और मेरे जो भी इमरजेंसी हॉस्पिटल वाले हैं और क्लिनिक वाले हैं वो आके जो है वो चेकअप करेंगे। ठीक है, आई हैव फेस दैट इशू, तो मुझे पता है कि एक सिक्योरिटी और एक इमरजेंसी की बेस के ऊपर जो है अगर आपको कोई बंदा चाहिए हो तो ऑन कैंपस जो है वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड एवरीवन विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो सिक्योरिटी और ट्रैवल जो है उसकी वजह से मैं बाहर नहीं मूव करती। कौनस क्या है ऑन कैंपस ट्रेनिंग के, कौनस ये हैं कि एक्सपेंसिव है, द रूम इज़ नॉट दैट मच बिग, ठीक है, आपको शेयर्ड किचन यूज़ करना होता है, शेयर पेंट्री यूज़ करनी होती है, उसके बाद आपको देखना होता है कि यू कैन नॉट ब्रिंग पीपल टू योर रूम इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स जो किसी और बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो आप उनको जो है अपने बिल्डिंग में, अपने रूम में नहीं ला सकते हैं। सो दीज आर सम कॉन्स जो आपको फेस करने पड़ते हैं ऑन कैंपस में। अब अगर हम बात करें कि ऑफ कैंपस की क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ऑफ कैंपस जो है आपको जिस प्राइस में आपको ऑन कैंपस मिल रहा होता है उसी प्राइस में आपको एक प्रीमियम रूम मिल जाता है बाहर ऑफ कैंपस में किसी भी जगह पे। ठीक है, वेदर आप अगर यहाँ पे पार्क हिल है, पार्क हिल में आपको अच्छा कमरा मिल जाएगा, आपको वन साल का अच्छा कमरा मिल जाएगा, एंडा में मिल जाएगा, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेज नियर द यूनिवर्सिटी जहाँ से बसेज आती हैं, तो आपको जो है वहाँ पर अच्छे रूम्स मिल जाएंगे, इसी रूम में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। उसके अलावा कौन क्या है, उसके अलावा ये कि आप अगर किसी मेन मार्केट के करीब हैं तो वहाँ से आपको अच्छी ग्रोसरी मिल जाएगी। अब यूनिवर्सिटी जो है, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे करीब में जो है बहुत कम ग्रोसरी स्टोर्स हैं या बहुत कम जगह हैं जहाँ पे आप जाके अपनी चीज़ें जो है ला सकते हैं। यू हैव टू ट्रैवल सम अ फ्यू मिनट्स टू गेट द ग्रोसरी एंड गेट योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो है एक प्रो हो सकता है ऑफ कैंपस रहने का कि यू गेट different kind of cuisines and different kind of restaurants to get the food from and to get the grocery and stuff like that. और अच्छा, उसके अगर कौन सी बात करें, you have to do the traveling, ठीक है, आपको जो है कोई emergency की वजह के ऊपर जो है there will be no burden over there, ठीक है, आपको या security होगी वहाँ पर, but they're not gonna entertain you if you are sick or anything, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको एक अपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पे डिफरेंट लोग रह रहे होंगे, ठीक है, यू हैव टू शेयर दैट अपार्टमेंट, देर कैन बी सम प्राइवेसी इशूज इफ यू आर नॉट नॉट टेकिंग अ सिंगल अपार्टमेंट, स्टूडियो रूम नहीं ले रहे तो आपको जो है प्राइवेसी इशू भी होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आप यूनिवर्सिटी से घर जाते हैं, यू आर टायर्ड, सो आपको जो है वहाँ पे बहुत लोनली फील होगा, होम सिकनेस ज़्यादा फील होती है, बिकॉज इफ आई एम लिविंग ऑन कैंपस तो मुझे पता है कि इफ़ आई फील लोनली आई गो डाउन और देर विल बी लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, एंड आई विल बी लाइक ओके विद दैट। तो लेकिन ऑफ कैंपस रहने वाले जितने मेरे दोस्त वगैरह रह रहे हैं, दे फील लोनली समटाइम्स बिकॉज देर विल बी नो फ्रेंड्स ओवर देयर। तो आपको देखना होगा कि आपके दोस्त बन जाएँ, ठीक है, यू विल बी कम्फर्टेबल, ठीक है, आपके जो रूममेट्स हैं या आपके फ्लोर मेट्स हैं आप उनके साथ जो है इस्लाम हुआ करें तो दैट विल बी ओके फॉर यू। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैंने अभी तक नोटिस किए हैं, ठीक है, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के। यू कैन चेक इफ़ यू आर कंफर्टेबल लिविंग ऑफ कैंपस तो आप ऑफ कैंपस को प्रेफर करें, इफ़ यू वांट टू गेट अ चीपर रूम एंड अ बिगर रूम तो आप ऑफ कैंपस को प्रेफर करें, और अगर आप ऑन कैंपस आ रहे हैं तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आप जो है सिक्योरिटी को प्रेफर कर रहे हैं,
या फिर आप जो है उसको प्रेफर कर रहे हैं, ट्रैवल को अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हैं, आई विल ट्राई टू कट दोज टॉपिक्स डाउन, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि ऑफ कैंपस में क्या और चीज़ें हैं और ऑन कैंपस में और क्या चीज़ें हैं जो मुझे मेंशन करनी चाहिए थी. ठीक है, थैंक यू सो मच.